भोजपुरी की कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो कि अपने उन वीडियोस के कारण रातों रात सुर्खियों का विषय बन गई, जिसके कारण उन्हें भोजपुरी में बड़े बदनाम दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो चलिए हम बताते हैं भोजपुरी के उन हीरोइनों के बारे में जिनके वीडियोस ने या जिनके एमएमएस ने उन्हें रातों रात बदनाम कर दिया। इसमें से सबसे ऊपर हैं त्रिशाकर मधु, जी हाँ, जिनका एक एमएमएस इन दिनों लोगों के बीच सुर्खियों का विषय बना हुआ है। जबकि इसके लिए लाइव आकर त्रिशाकर मधु ने ये कह दिया है कि भाई ये वीडियो काफ़ी पुराना है, उन्हें प्यार में धोखा मिला है, धोखे से किसी ने ये वीडियो अपलोड कर दिया है। अब ये आलम है कि त्रिशाकर मधु से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उनके हाथ से छीन लिए गए हैं और त्रिशाकर मधु शायद ही आपको भोजपुरी के आगे आने वाले गानों में दिखेंगी, क्योंकि उनके हाथ जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स थे सारे चले गए हैं। पवन खेसारी, अंकुश राजा, रितेश पांडे, राकेश मिश्रा जैसे कई भोजपुरी के सुपरस्टार एक्टरों के साथ काम कर चुकी हैं। इनकी दोस्ती अरविंद अकेला कल्लू के साथ भी बहुत बेहतरीन है, लेकिन अब इनके पास फ़िलहाल कोई काम नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है इनका हाल ही में लीक हुआ एमएमएस, जो कि त्रिशाकर मधु के मुताबिक लगभग 4 साल पुराना है, 3 से 4 साल पुराना है। अभी उनके किसी करीबी ने लीक करके उनका बना बनाया करियर चौपट कर दिया है। अब हम आपको लेके चलते हैं भोजपुरी की उस एक्ट्रेस की तरफ जिन्होंने बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ काम किया, फिर वो चाहे खेसारी रहे हों, पवन रहे हों, निरहुआ रहे हों, प्रदीप पांडे चिंटू रहे हों। इनके अफेयर की चर्चा प्रदीप पांडे चिंटू से भी बड़ी जमकर थी। और आपको ये बता दें कि इन्होंने तो खुले तौर पर खेसारी लाल यादव से पंगा ले लिया, और आज आलम ये है कि प्रियंका पंडित के पास काम की बेहद कमी है। लेकिन एक वक्त वो था जब एमएमएस इनका भी लीक हुआ था, ये बात और है कि एमएमएस लीक किसी और ने इनका नहीं किया था, बल्कि कुछ ऐसी हरकतें कर रही थी प्रियंका पंडित कैमरे के सामने, और वो लीक हो गया वहाँ से, और जिस कारण इनकी बहुत बदनामी हुई और इसके वजह से प्रियंका पंडित को काफ़ी ट्रोलिंग का भी शिकार होना पड़ा। अब आगे बढ़ते हैं मोनालिसा की तरफ। मोनालिसा ने तो बकायदा खुलकर कहा है कि उन्होंने सी ग्रेड की फिल्मों में काम किया है, और वहाँ बकायदा उन्होंने वल्गर सीन भी दिए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सारी बातें हम फेक कर रहे हैं तो आप इसे गूगल कर सकते हैं, आपको वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर वो चाहे मोनालिसा को लेकर हो, त्रिशाकर मधु को लेकर हो, या प्रियंका पंडित को लेकर हो। और आपको ये बता दें कि भोजपुरी फिल्मों में आने से पहले मोनालिसा बंगाली सी ग्रेड की फिल्मों में काम करती थी, और वहीं से उनके कई ऐसे एमएमएस भी लीक हुए हैं जो कि आपत्तिजनक स्थिति में थे। और आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं कि भोजपुरी में, वैसे आपको बता दें, फिर से हम त्रिशाकर मधु के टॉपिक पर ही आते हैं कि त्रिशाकर मधु ने अपने हाल ही में एक फेसबुक के पोस्ट पर ये कहा है कि भोजपुरी में कोई दूध का धुला नहीं है, सब यहाँ एक से बढ़कर एक हैं। जब से उन्होंने ये पोस्ट किया है तब से भोजपुरी के कई हीरो और हीरोइन की नींद उड़ चुकी है, और यहाँ तक उन्होंने कहा है कि मैं चाहूँ तो सभी के नाम का खुलासा कर सकती हूँ। आप इस पर क्या कहेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही भोजपुरी जन की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।